अभी टमाटर का मौसम है, बहुत अच्छे टमाटर आ रहे हैं, सस्ता भी मिल रहा है, तो आप इस टमाटर को ऐसे काट के और इसके बीज को निकाल लें। बीज को निकाल के और इसको किसी भी चीज़ में रख के इसको हमको धूप में सुखाना है। सबसे बढ़िया बात यह है कि ये 2 दिन में टमाटर सूख जाते हैं, और धूप में इसको रखना है। धूप में सुखाने के बाद 2 दिन में बहुत अच्छे सूख जाते हैं। जिस समय टमाटर की कमी रहती है हम उस समय इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और ख़ास बात यह है कि जब हम इसको 2-3 दिन तक धूप में सुखाते हैं तो इसके अंदर सूर्य के प्रकाश से चूंकि सूखता है इसलिए विटामिन डी भी इसके अंदर चला जाता है। और जब हम खाते हैं इस टमाटर को, कोई भी चीज़ जब हम धूप में सुखाते हैं और बाद में उसका इस्तेमाल करते हैं तो उसमें विटामिन डी की पूर्ति होती है। और आज हमारे देश में विटामिन डी की कमी लगभग हर तीसरे व्यक्ति में सुनाई देता है कि विटामिन डी की कमी है। उसका कारण ये भी हो रहा है कि पहले जो हम सुखाते थे, बड़ी बनाते थे और पत्तियों को सुखाते थे, आलू गोभी पत्ता गोभी सब सुखाते थे, वो धीरे धीरे हम बंद कर दिए। तो अचार भी हम बनाते थे, अचार बनाना भी कम कर दिए। अचार में भी जब हम बरनी को धूप में अच्छे से 4-5 दिन रखते हैं तो अचार में तो खासकर विटामिन डी के साथ साथ विटामिन बी भी पाया जाता है। तो अभी विटामिन बी की कमी से भी लोग जूझ रहे हैं, तो हमको पारंपरिक चीज़ों की तरफ ध्यान देना है। और परंपरा में सारे जो तत्व हैं वो मौजूद हैं। सवेरे धूप में बैठना है, धूप में बैठ के काम करना है, धूप में सुखाना है, और बड़ा ही स्वादिष्ट लगता है ये सूखने के बाद। पर ध्यान रहे कि इसको बढ़िया से सुखाना है धूप में। आइए दिखाते हैं सूखने के बाद कैसा दिखता है। हमने कल परसों जो सुखाया था वो अभी सूख गया है। ये देखिए धूप में सूखने के बाद बड़े बड़े टुकड़े थे वो कैसे छोटे छोटे हो गए, और बहुत थोड़ा सा हो गया है। इसको हम कूट के भी रख सकते हैं और ऐसे भी रख सकते हैं, बाद में इसको हम चटनी और सब्जी के रूप में इस्तेमाल करेंगे। थोड़ा सा ही काटा था मैंने परसों, आज देखिए सूख गया है। किसी भी चीज़ में सुखा सकते हैं, कपड़े में सुखा सकते हैं। ज़्यादा बनाना है तो एक चादर बिछा लिए छत पे और उस पे सुखा दिए। बस ध्यान रखना है इसके सारे बीज को और रस को निकाल लेना है, उसके बाद ही सुखाना है। अब हम इसको धूप में रख देंगे। आखिरी में इसमें जो बीज बचा है इसको भी सुखा लेंगे, और इसके नीचे जो रस है इसको आप सब्जी में इस्तेमाल कर सकते हैं, चटनी बना सकते हैं। तो देखिए कुछ भी नुकसान खराब बेकार नहीं हो रहा है, ये सूख जाएगा, इसका हम पाउडर बनाएंगे, ये रस निकला ये सब्जी में डालेंगे, और ये बीज इसको सुखा के हम बाद में इससे पौधे तैयार कर सकते हैं।